नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू असम फूड फॉरेस्ट चैनल। आज मैं बहुत ही खुशी से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे बगीचे में रंबूतान में फ्लावर आ रहे हैं, जबकि अभी रंबूतान का हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। तो आइए देखते हैं मेरे रंबूतान में जो फर्स्ट फ्लावरिंग है वो पौधा मैं प्रूनिंग करने के लिए सोच रही थी, क्योंकि अभी रंबूतान का जो है हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। हार्वेस्टिंग के बाद वैसे भी प्रूनिंग होती है, तो मैंने सोचा ये एक तरह से बढ़ रहा है लेकिन इसमें डालियां ज़्यादा नहीं हैं, तो क्यों ना मैं इसकी प्रूनिंग कर दूं। लेकिन इस मौसम में जब हार्वेस्टिंग चल रही है रंबूतान की, तो इसमें मेरे पौधे में फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावर्स आ रहे हैं। पता नहीं ये फ्लावर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मैं उसकी अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगी। देखिए दोस्तों, ये वो पौधा है, ऐसे बीजू पौधे से जो नए नए जो डालियां आती रहती हैं, इन्हें हमें रिमूव करते रहना चाहिए। ग्राफ्टिंग यहाँ से है, तो ग्राफ्टिंग के बाद से मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्राफ्टिंग वाला जो डाली है, इसकी मैं प्रूनिंग करना चाहती थी, क्योंकि ये देखिए यहाँ से लेकर लगभग 4.5-5 फीट तक ये एक ही डाली है, और इसके बाद तीन डाली निकली है, वो भी ज़्यादा घना नहीं है। तो जिस रूप से ये घना होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए इसकी प्रूनिंग करना चाहती थी, क्योंकि जब से ये लगा हुआ है पौधा तब से इसकी प्रूनिंग नहीं हुई है। तो प्रूनिंग करने के लिए जब मैं आई, तब मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ जो एपिकल पार्ट है उसमें फ्लावर जैसा कुछ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि अभी तो हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। लेकिन जब मैंने इसे ध्यान से देखा, देखिए दोस्तों, ये फ्लावर्स है रंबूतान के। देखिए, जो लोग मेरी नर्सरी में रंबूतान के पौधे लेने आते हैं, वो इस सीज़न में अगर आएंगे तो उन्हें ये फ्लावर्स दिखेंगे। ये देखिए रंबूतान के फ्लावर्स, फर्स्ट टाइम हमारे पौधे में रंबूतान के फूल खिल रहे हैं। अभी पता नहीं ये ऑफ सीज़न है, किस लिए इसमें फूल आ रहे हैं। हो सकता है कि एक दो फल ठहर भी जाए। तो ये है रंबूतान का पौधा, वैरायटी है N18 रंबूतान। तो ये ग्राफ्टेड पौधा था, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, मैं इसकी जो अपडेट है मैं आपसे शेयर करती रहूँगी कैसा चल रहा है। तो ये है असम में N18 रंबूतान की अपडेट। कुछ ही दिन पहले मैंने इसके चारों तरफ साफ़ सफाई करवा के इसमें गोबर की खाद डलवाई थी। बरसात का मौसम है तो बहुत जल्दी जल्दी घास फूस उग जाती है चारों तरफ, और इसकी न्यूट्रिशन लेने लग जाती है। इसलिए मैंने थोड़ी सी सफाई करवा के इसमें गोबर की खाद लगवाई थी, डलवाई थी, और अभी ये पौधा फ्लावरिंग पे आ गया। बहुत खुशी हो रही है देखकर। हमारी ज़मीन पे थोड़ा सा पोटास कम है, तो मैं कुछ दिनों के बाद इसमें 100 ग्राम पोटास गोबर की खाद के साथ मिला के डालूँगी। इससे क्या होगा कि फ्लावर से जो फ्रूट बनने का प्रोसेस है वो प्लांट अच्छे से कर पाएगा, और फ्रूट ड्रॉपिंग की चांसेस कम हो जाएंगे। तो हालांकि ये पौधा छोटा है और हमें इससे फ्रूट लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ग्राफ्टेड पौधा है तो अभी अगले साल तक इसमें फ्रूट्स आने भी चाहिए वैसे ही, क्योंकि इसकी उम्र लगभग फ्रूटिंग पे आने के लिए इसकी उम्र ठीक हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या होता है, आपसे अपडेट शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप भी रंबूतान जैसा एक स्वादिष्ट फल जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही अनोखा और बहुत ही ज़्यादा देखने में खाने में बहुत ही अच्छा ऐसा फल अपने गार्डन में ज़रूर लगाएंगे।
तो इसी उम्मीद के साथ मैं राहिल आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।